तो मैं आज यहाँ नदी किनारे आया था और योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, वैसे घूमने टहलने निकल गया था। और सामने से नदी की आवाज़ और पास की जो मिट्टी थोड़ी सी भीगी हुई है, उस मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और पीछे से घंटियों का शोर और आप ऊपर का नज़ारा देख रहे हैं, मुझे ऊपर स्किन दिख रही है। ये कुछ ऐसा माहौल है कि मानो कि सब कुछ भुला देने को जी करेगा। मैंने अब तक अपने जीवन में ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। मुझे नहीं भी था कि मेरे साइड नदी नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सुकून आपको मिलता है वह कहीं नहीं। शीतल सी हवा न सिर्फ आपको मन को छू रही है, बल्कि आपकी रूह तक, आत्मा तक जाती है। शायद इस चीज़ का अगर आपको अनुभव करना है, आपके शहर के आसपास कहीं नदी है या तालाब भी है, स्वच्छ तालाब है, आप वहाँ पर जाएं और अकेले में बैठें और रिलैक्स करें। कोशिश करें उस वक्त मोबाइल आप ना ले जाए, अगर ले भी जा रहे हैं तो उसे स्विच ऑफ कर दिया, फिर बंद कर दें और कुछ वक्त के लिए सारी चीज़ों को भुला दें। बस आप नदी का जल, हवाएं, बस और कुछ नहीं। आप पाएंगे कि रियल हैप्पीनेस, रियल खुशी क्या है। आप लाइफ में इससे ज़्यादा कभी कुछ चाहेंगे ही नहीं। गाड़ी, कार, बंगला, ये सब एक ढोंग सा लगेगा, एक रूढ़ी की तरह लगेगी। असली सुकून यहाँ पर है। आपको शायद नदियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये चीज़ें, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नया पाएं, कुछ नए की खोज में निकलना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको हमेशा अकेले निकलना पड़ेगा। तब आपके दिमाग का विकास होगा, आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं अकेले होने से। बस इतना ही तक वीडियो। मेरा वीडियो से बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो फिर खुद को रोक ना सका। मैं सोचा चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो अच्छा लगा तो औरों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, उन्हें पता चले कि ज़िंदगी की वास्तविक खुशी किस में है। फ्री रहने में या फिर सर पे भौतिकता का बोझ लाजी रखने। बस अभी तक मैं ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं दूंगा और मिलते हैं फिर कभी।